और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने एग्जिट पोल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि एनडीए 400 पार सीटें लाएगी। तो वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि एक बात सामान्य है जो सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई दे रही है, सभी ने तमिलनाडु, केरल और फिर कर्नाटक और तेलंगाना से एग्जिट पोल की शुरुआत की है। 4 जून का परिणाम भी आएंगे, अभी तो सवाल टीआरपी का है। शानदार बढ़त एग्जिट पोल का जो प्राथमिक नतीजा दिख रहा है, पूरे देश में जिस प्रकार का नतीजा दिख रहा है, ये माननीय मोदी जी ने जो लगातार 240 से ज्यादा सभाएं की मोदी गारंटी पे, और ये देश सनातन के उस रास्ते पे ही चलेगा जो पुरातन भी है और आधुनिकतम भी है। और मुझे लगता है कि 10 साल के विकास पे हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने जम के मुहर लगाया है। और तीसरा टर्न देश के गौरवशाली विकास के लिए होगा, दुनिया की तीसरी शक्ति भारत को बनाने की दिशा में एक शुरुआत होगी। और मुझे लगता है ये सरकार गांव, गरीब और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के जिस उद्देश्य बनी है उसमें सफल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना, बधाई। अमित शाह जी को बधाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई। 400 पार तो पहले दिन से तय था, ये कांग्रेस के लोग जबरदस्ती हल्ला कर रहे थे और 400 पार ही नहीं, 400 पार। और आज जो अभी तक के जो रिजल्ट दिख रहे हैं तो उसमें उम्मीद है कि वहां तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए, जितने भी मेन स्ट्रीम के जो नेशनल मीडिया है उसमें एक समानता दिखाई दे रही है, सारे लोग एग्जिट को शुरू किए हैं तमिलनाडु, केरल, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, इधर जो अलग अलग किए हैं, लेकिन सारे जो नेशनल मीडिया है सब लोग शुरुआत है। और तीन चार जो एजेंसी है जिन्होंने अब मुख्य रूप से बात यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाए। अब अभी ऐतिहासिक सवाल है, सारे लोग अधिकांश समय हम देखा कि उलट रिजल्ट देखा है तो ठीक है, सब जीतते हैं कि अपने अपने जगह करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब दौरा किया है, जहाँ राहुल गांधी के अध्यक्ष नीचे कर्मचार उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और अनुभवी राजनेता है और उन्होंने जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो फिर जो होंगे क्या बात है।